नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 इन जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में विधायक सरयू राय ने सिद्धगोड़ा सोन मंडप के पास खुले मैदान में बच्चों के लिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल समेत अन्य खेलों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इस दौरान विधायक सरयू राय ने अपने विधायक फंड से रुपए देने की बात कही और कहा कि क्षेत्र में खुला मैदान नहीं होने की वजह से बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। उसको लेकर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में खुला मैदान का निर्माण करे जिसमें बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल खेल सके। विधायक सरयू राय ने कहा कि वे अपने विधायक फंड से लगभग 1 करोड़ रुपए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को देंगे जो क्षेत्र में बच्चों के लिए खुला मैदान का निर्माण होगा। हालांकि इस बैठक में विधायक सरयू राय, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार और तमाम सिटी मैनेजर मौजूद रहे। जमशेदपुर में टाउन हॉल, यात्री निवास, सोन मंडप के किनारे किनारे जो स्थान है उस स्थान को एक क्रीड़ा उद्यान के रूप में विकसित करने की बात हुई और मैंने अपने विधायक निधि से अलग अलग राशि इनको स्वीकृत कर दिया है। अब इनके ऊपर ही कैसे उसको करते हैं। चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ इंडोर गेम्स का टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है, स्क्वैश है। फिर एक हमने स्कीम सैंक्शन किया अपने फंड से बास्केटबॉल के लिए, एक बेसबॉल का भी वहाँ हम लोग बनाना चाहते हैं, वॉलीबॉल का, कबड्डी का, और जो दो बड़े तालाब वहाँ हैं उन दोनों तालाब में बच्चों के लिए पैडल बोटिंग का, और वहाँ शंख मैदान है उस शंख मैदान को भी विकसित करने का, सुंदर बनाने का, ये सब चीज़ें बात हुई हैं। तो अब वहाँ एक क्रीड़ा उद्यान के नाम से प्रसिद्ध हो जाए, जमशेदपुर क्रीड़ा उद्यान सिद्धगोड़ा उस नाते हो जाए, और जमशेदपुर के लिए टाटा स्टील के बाद एक ऐसी जगह रहे जहाँ खेल प्रेमी आए, नौजवान बच्चे आए, क्लब की तरफ उसको चलाएं। आप टेनिस क्लब हो जाएगा, स्क्वैश क्लब हो जाएगा, बेसबॉल क्लब हो जाएगा, बास्केटबॉल क्लब हो जाएगा, वॉलीबॉल क्लब हो जाएगा। सबका लोग मेंबर बनाए, मेंबर बना के उनके संचालन का जिम्मा उन्हीं को सौंपे और इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप को शासन प्रशासन का लिए इसी का इस तरह का एक मॉडल बनाया जाए, तो इसी पर आज बातचीत हुई।